हजरतगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड अब फुल हो चुके हैं। मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 50 के पास मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। साथ ही साथ एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज चल रहा है। बता दें कि वहां पर महामारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध मुहैया ठीक से नहीं हो पा रही हैं। मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड अब फुल हो चुके हैं। बीमार लोगों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल लेकर परिजन खड़े नजर आ रहे हैं। मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं। एक एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज एक साथ चल रहा है। ज्यादातर लोग बुखार और दस्त से परेशान हैं। बता दें कि मोहनलालगंज नगर पंचायत के गौरा गांव में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण की चपेट में आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। कैसे क्या कुछ हुआ गांव में? बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए हैं, क्या वजह अभी तक निकल कर सामने आई? लोगों को क्या दिक्कतें हैं, मदद किस तरह से पहुंचाई जा रही है? गांव की मेन समस्या ये है कि हमको 11 बजे के करीब सूचना मिली कि गांव में जो है उल्टी दस्त की शिकायत लोगों को हो रही है और बुखार की शिकायत है बच्चों को। तो यहाँ से कुछ लोग लेके वहाँ CSC के लिए पहुंचे। हम वहीं सबसे CSC में ही थे। लगभग 39 बच्चे वहाँ पहुंच चुके हैं, बच्चे और पेरेंट्स मिला के 39 के करीब वहाँ है। और उनको अब खैर पहले से आराम है, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया गया है, लेकिन दिक्कत ज्यादा है और भोजन की वजह से भी हो सकती है, पानी से भी हो सकती है। हम यहाँ के लोगों से बस यही है कि पानी जो है आ गया है, RO का यहाँ टंकी रखी गई है, उससे पानी पिए। फिलहाल नल वगैरह का पानी न यूज करें ज्यादा बेहतर होगा, ये समस्या है। आपको कैसे जानकारी मिली, कितने लोग बीमार हैं, क्या अभी तक आपने देखा है गांव में? हमें मरीज घर से फोन किया, आप यहाँ आइए, यहाँ बच्चे बहुत सारे बीमार हैं। हम जैसे सुने वैसे तुरंत यहाँ आए, आकर के यहाँ देखे सारे बच्चे बीमार थे, फीवर और उल्टी दस्त सारे सब कुछ हो रहा था। हमने तुरंत अस्पताल को फोन किया, DCPO को फोन किया। कितने बच्चे बीमार हैं गांव से? गांव से हमें जब मतलब हम जब देखे उतनी टाइम तो 20-25 बच्चे थे जो बीमार थे, मतलब उसके बाद में भी कुछ बच्चे। हाँ, उसके बाद में जब हम मतलब यहाँ से सब उनको रिफर कर दिया गया, बच्चों को भेज दिया गया अस्पताल के लिए, वहाँ उनका मतलब इलाज होने लगा। और जो मतलब कम सीरियस थे तो उनको यहाँ दवा दे दी गई। दवा देने के बाद उनको मतलब RS दिया गया, ये घोल वगैरह पिलाते रहो। फिर अभी गाँव की क्या स्थिति है? अभी गाँव की स्थिति अभी तो थोड़ा सा मतलब सही है, लेकिन आगे देखा जा रहा की कोई कंडीशन न होने पाए। सर, खाना खाने से कुछ लोग बीमार हुए मोहनलालगंज में और उनको एडमिट किया गया, CSC में क्या कंडीशन है? सूचना मिली थी कि मोहनलालगंज में गौरा गांव है, इसके अंदर एक बर्थडे पार्टी में छोटे खाने के पश्चात तो बच्चे बीमार हुए हैं, जो प्रथम दृष्टया माइल्ड फूड पॉइजनिंग लगती है। कुछ को उल्टी और कुछ को दस्त की शिकायत थी, कुछ को हल्का सा बुखार भी आया था उसके बाद। तो उस सिलसिले में हमारी टीम वहाँ पे मोबाइल टीम पहुँच चुकी है, वहाँ पे कैंप लगा के दवाएँ बांटी जा रही हैं, घर घर पे चेकिंग हो रही है। प्रत्येक परिवार में पूछा जा रहा है कि यदि किसी ने उस परिवार में खाना खाया था जहाँ पे बर्थडे पार्टी थी तो वो दवाएँ प्राप्त कर ले। ORS प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा दिया गया है। मेडिकल मोबाइल यूनिट भी वहाँ पर लगाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ कार्य कर रहा है। हमारे चिकित्सा जो चिकित्सा अधीक्षक हैं वो अपनी टीम के साथ और SDM महोदय के साथ क्षेत्र में ही मौजूद हैं, और एहतियातन कुछ बच्चों को भर्ती भी कर लिया गया है जिनको उम्मीद है कि शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उनमें से कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं। भर्ती होने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी है अभी, कितने लोग भर्ती हुए? भर्ती 24 हमारे यहाँ बच्चे लाए गए हैं एम्बुलेंस से, जो सब स्टेबल हैं, लेकिन बस ये था कि चूँकि उनको डायरिया हो रहा था तो उनको एहतियातन भर्ती किया गया है, जिससे किसी भी जटिलता की स्थिति में चिकित्सकों के देखने को। थैंक यू।